अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, तब सबसे काल जी, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे, आप लोगों को मजा आ रहा होगा। आज एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियो देखने वाले हैं। ये मेरी फेवरेट वीडियो होने वाली है क्योंकि हम लोग देखने वाले हैं ए गर्ल राइडिंग बुलेट इन मराठी साड़ी। और मराठी साड़ीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, और बुलेट क्योंकि वो चला रही है रॉयल एनफील्ड, जो कि मेरी फेवरेट है, और ये उसकी वजह से ये वीडियो मुझे लगा कि मुझे देखनी है और आप लोगों के साथ देखनी है और बनानी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये वीडियो देखने का इतना ज़्यादा मज़ा आएगा, और इस वीडियो को देख के मैं समझूंगी कि ये मैं हूँ। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा, पसंद है तो शेयर जरूर कीजिएगा, फिर देखते हैं आज की वीडियो। तो अभी मैं वीडियो बना रही थी, भाई साहब लोगों के रिएक्शन देखो क्या मस्त मस्त है। एक आंटी वहाँ खड़ी हो, देखो आज शायद आपको दिख रही होंगी, ए इधर शायद थोड़ी सी दिख रही है, बच्चे भी खड़े थे यहाँ पे, और ये कुछ लोग तो यहीं पे ही खड़े हैं भाई साहब। हमें रिएक्शन वीडियो लेने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं भाई, रोड पे खड़े होके मस्त रिएक्शन आ जाते हैं भाई साहब। मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी, उतने भी काफी ज्यादा रिएक्शन हो रही है, और आप मेरे पीछे देख सकते हो कितने ये लोग जब से यहीं खड़े हैं यहीं पे देख रहे हैं, और सारे में आप इधर देखोगे सब लोग जो हैं इधर देख देख के जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे पागलपन सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता। सो यार गाइस चलते हैं, चलो गाइस सबसे पहले बैठो। नहीं यार ये तो कुछ भी है, यहाँ से जल्दी कर ले, गाड़ी गुड़ी मुड़ेगी फिर मुझे अंदर जाना पड़ेगा, और नो नो वहाँ घूम रहा। मुझे भी बाइक चलाना अच्छा लगता है, बट मुझे डर भी बहुत लगता है, मतलब मेरे मन में डर है कि मैं ठोक दूंगी। ओह आवाज ही खतरनाक है। कमाल की लग रही है, नोनू गरीब को कह रही है, नोनू गरीब, हमारा गरीब इतना गरीब है कि स्कूटी पे चलता है। अभी आगे चल रहे हैं, आप इसकी देखना ड्राइविंग स्किल्स, भाई साहब उड़ा ले घूमता गाड़ी को। ये जो मैंने आज साड़ी घर पे रखी है ना, मम्मा की पुरानी साड़ी है काफी, और बिल्कुल मतलब उनके शादी के टाइम की है, और ये इतनी ज्यादा लॉन्ग है ना इसका, एक तो पल्लू बहुत ज्यादा लॉन्ग है, ऊपर से अभी जब मैं बैठी थी तब आर्यन का पैर भी लग गया था। बाकी मैंने पहले भी पहनी है कस्टर्ड स्टाइल साड़ी, उनमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी, बट ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है और बस यही दिक्कत है इसमें, बाकी इस टाइप से साड़ी पहले भी पहन रखी थी। वो हल्की बाइक थी, संभाली नहीं जाती, और बुलेट पे तो काफ़ी ज़्यादा इसका वेट होता होगा, और बहुत मस्त रही थी वो वीडियो भी, काफ़ी टाइम पहले डाली थी मैंने, अब तो मैं एक या दो महीने बाद डाल रही हूँ साड़ी में वीडियो, बहुत मजेदार है भाई साहब। वैसे बाइक चलाने का इतना ज्यादा मजा आता है, हरिद्वार में दो दिन से जिसे बिल्कुल बारिश बारिश का मौसम हो रहा है, इंडिकेटर दे दिया मैंने। करते हैं किक स्टार्ट। आजकल वीडियो ना, ओए सॉरी, आजकल बुलेट जो है आवाज दे रही है, ओ स्टैंड लग रहा तेरा।
अरे खतरों के खिलाड़ी खेल रहा है सीरियसली यार, बहुत अलग बंदे ये लगता ही नहीं हमारी प्रजाति का, ऐसा लगता है दूसरे ग्रह से आ रखा है। हर टाइम नहीं लगता है ऐसे जब ये बाइक चला रहा हो या स्कूटी चला रहा हो तब ये अलग प्रजाति का लगता है। इसमें कुछ भी गुण नहीं है इंसानों वाले, इससे चैन से तो आरन चला लेता गाड़ी। ओए इंडिकेटर दिया एक सेकंड के लिए इंडिकेटर दिया इसमें। भाई साहब ये अलग है, यू टर्न ले रहा मैं और रुक जा मैं आंटी पे फोकस कर लूं। हाँ फोकस कर ले आंटी जी। आंटी जी ओ भाई स्टंट चढ़ गया था। नो नो जी। सो या गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। बाय 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 बाय। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा एक स्वीट सी वीडियो थी, क्यूट सी वीडियो थी और व्लॉग था। और मुझे लगता है कि अगर क्योंकि उनके साथ एक दूसरा बंदा भी था और वो जितना ज़्यादा अपना व्लॉग बना अपनी मतलब वीडियो दिखाती उतना ज़्यादा अच्छा रहता। बट ठीक है उन्होंने जो भी व्लॉग बनाया जितनी ज़्यादा मेहनत की उतनी ज़्यादा बहुत है, बट अच्छा लगा मुझे। और ख़ास तौर पे वो बुलेट पे थी, रॉयल एनफील्ड पे थी, वो चीज़ तो मेरे मन को जाके लगती है, सीधा होता है ना कि सीधा मन पे जाके लगती है तो ऐसा है। और क्योंकि वो मराठी साड़ी में थी और वो बोली थी कि उनकी माँ की साड़ी है वो, और बिल्कुल नहीं लगती क्योंकि मुझे लगता है साड़ियों का यही होता है कि वो जितनी ज़्यादा ओल्ड क्यों ना हो वो लगती नहीं है, वो फील नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा ओल्ड। हाँ आजकल न्यू बहुत ही ज़्यादा होता है ना कि प्रिंट वगैरह बहुत कुछ आपको न्यू देखने को मिलता है, लेकिन वो आप कितने सालों पुरानी भी निकालो ना और वो लगता है कि न्यू है। मेरी मम्मी के पास एक होती थी, बनारसी थी वो, बट उनके पास होती थी और मुझे बचपन से इतनी ज़्यादा अच्छी लगती थी और मुझे मैं खुद को वो ऐसे बांधती रहती और लगाती रहती। फिर मेरी मम्मी ने क्या किया, एक कमीज़ बनवा ली और एक कमीज़ मुझे बनवा के दी और एक सहर ने भी बनवाई थी मुझे लगता है। और वो जो कमीज़ हमने बनवाई थी पता नहीं किसी की शादी आ रही थी शायद, पता नहीं कितनी दफ़ा वो मैंने यूज़ की थी, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दी थी। अभी तो मेरे पास इतनी ज़्यादा साड़ियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं अभी मेरे पास, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं और बहुत ज़्यादा शौक़ है मुझे। और मैं न्यू भी बनवाती हूँ और मैं बनवाती रहूँगी, लेकिन यहाँ पे ना वो होता है कि कुछ ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। और अगर आपने सिर्फ ब्लाउज़ स्टिच करवाना हो तो उसका 2000 रुपये लेते हैं, मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा महंगा है वो। लेकिन मेरे पास कुछ हैं, कुछ स्टिच्ड हैं, कुछ अनस्टिच भी हैं, लेकिन ठीक है वक्त के साथ साथ देखेंगे। क्योंकि इंडिया में तो होता है कि रेगुलर रूटीन में भी साड़ी यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पे वैसा सिस्टम नहीं क्योंकि हम लोग को आदत नहीं होती ना। और ऐसे भी मेरे पास जो साड़ियाँ हैं वो आम दिनों में पहनने वाली नहीं है, वो ऐसा किसी फंक्शन पर हो गया या फिर किसी कास्ट डे पर ही होता है कि नहीं जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे ये व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वही चीज़ कि मैं समझ रही थी कि मैं हूँ इस वीडियो में, और इस वजह से मैं बोल रही थी स्टार्टिंग में जब मैंने ये वीडियो ख़त्म की, मैं बोल रही थी कि अगर जितनी ज़्यादा मेरी वीडियो बनती मतलब कि अपनी वीडियो दूसरा बंदा जो था स्कूटी पर वो उसकी वीडियो बनाता कि वो जा रही है इधर से उधर से तो ज़्यादा अच्छा रहता और ज़्यादा अच्छी वीडियो मुझे लगता है कि बनती। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइबरशिप प्लीज़ जरूर कीजिए। मिलती रहूँगी ऐसी और बहुत सी वीडियोज़ में भी, थैंक यू सो मच वॉचिंग, आई लव यू ऑल।